नमस्कार, आप देख रहे हैं रूरल कंड समाचार। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा दूसरे दिन रामपुर खास विधानसभा के लालगंज कस्बा पहुंची है, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है। तो वही कांग्रेसियों ने फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। वही जनसभा मंच पर नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा का इस घोषणा के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया। प्रियंका गांधी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो घोषणा उत्तर प्रदेश की करेंगी या दूसरे राज्यों की करेंगी, ये दूसरे राज्यों के प्रभारी तय करेंगे कि वहाँ क्या नीत लेते हैं। प्रियंका गांधी ने यहाँ के लिए ले लिया, ये तो भाजपा वाले सब भी तो सवाल उठा रहे थे कि 33% प्रधान BDC प्रमुख कैसे ये बनाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष कैसे बनाएंगे, नगर पालिका कैसे बनाएंगे, हमने बना के दिखा दिया, ऐसे हम इसको भी दिखाएंगे। नेताजी प्रतिज्ञा यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची है, और क्या प्रतिज्ञा है इस बार कांग्रेस की? जिस तरह लगभग एक ब्लॉक में 5,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल आप लोगों ने देखी, अगर उसमें मान लें कि दो दो लोग भी थे, 10,000 लोग जब स्वागत करने के लिए उमड़े, तो 22 का परिणाम सामने। महंगाई को लेकर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए हुई महंगाई 110 115 पे बिकता हुआ पेट्रोल, आज मैं पढ़ रहा था मध्य प्रदेश में एक जगह 119 रुपये पेट्रोल बिका है, बालाघाट समझौता। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की कफन में आखिरी कील साबित होगी ये महंगाई।